नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। यूपी के फिरोजाबाद में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। सभी प्रत्याशी अपनी तरफ वोटरों को लुभाने के अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। फिरोजाबाद शहर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे रामदास मानो अजब गजब अंदाज में नजर आ रहे हैं। लोगों से वोट मांगने का इनका तरीका काफी चर्चा का विषय बन चुका है। रामदास मानो खुद अपने बदन को बेटियों से जकड़कर लोगों से वोट और नोट मांग रहे हैं। रामदास मानो का कहना है कि वो तब तक बेड़िया नहीं उतारेंगे जब तक मजदूर आजाद नहीं होगा। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि बेड़िया तब तक नहीं उतारेंगे जब तक वो चुनाव नहीं जीतेंगे। जब भी रामदास मानो श्रमिकों के इलाकों में जा रहे हैं तो लोग इनकी रुपए देकर मदद भी करते हैं। रामदास मानो चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों के नेता हैं और इनका कहना है कि चूड़ी जुड़ाई मजदूरों का शोषण हो रहा है। चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की हालत खराब है इनका कहना है, और मजदूरों की हालत ठीक करने के लिए इन्होंने चुनाव में आने का फैसला किया। इनको चुनाव चिन्ह भी चूड़ी ही मिली है। रामदास मानो अपने चुनाव चिन्ह चूड़ी का प्रचार करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। रामदास मानो खुद भी एक श्रमिक है, इसलिए इनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि चुनाव में पैसा खर्च कर सकें। अजीब बात तो ये है कि ये लोगों से एक कटोरा लेकर नोट और वोट दोनों मांग रहे हैं। रामदास मानो किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी लोकप्रियता भी यहां देखी जा रही है, खासतौर पर मजदूरों के बीच। ये जिस गली मोहल्ले में जाते हैं लोग इनकी मदद करने के लिए इन्हें पैसे भी दे रहे हैं। रामदास मानो का कहना है कि कारखानों के मजदूरों को इन बेड़ियों की तरह ही जकड़ा जा रहा है। मजदूर आजाद हों इसी के लिए वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। मजदूरों को यह बताने के लिए कि वो किस कदर बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उन्होंने खुद को भी हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ लिया है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।